हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञानोप। तो थंबनेल देखकर के आप समझ गए कि क्या बात कर रहा हूं। जी हां, आज के इस वीडियो में अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, बीटेक के कोर्स के परस्पेक्टिव से। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ओवरव्यू से वीडियो में स्टार्ट करता हूं, जैसा हर वीडियो में करता हूं। अगर मैं बात करूं कि स्टार्ट कब हुआ था, तो 1998 से कॉलेज चल रहा है। उस हिसाब से देखें तो इसकी लेगेसी काफ़ी पुरानी है। अब बात करेंगे प्लेसमेंट्स में क्या कुछ निकल के आता। बात करें ओनरशिप का, तो ये प्राइवेट कॉलेज है। और इसके फुल नेम की बात करूं तो अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है। कैंपस साइज की बात करूं तो 40 एकर्स का इसका कैंपस साइज है। लोकेशन की बात करूं तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका कैंपस आता है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करूं तो एफिलिएटेड कॉलेज है ये। एफिलिएशन की बात करूं तो AICTE से एफिलिएशन है। और ये जो है AKTU के अंदर में आती है ये कॉलेज। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो AKGEC.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी रैंकिंग क्या कुछ है। तो अगर बात करो NRF की ओवरऑल रैंकिंग, तो अवेलेबल नहीं है। NRF में इंजीनियरिंग की रैंकिंग, वो भी अवेलेबल नहीं है। इंडिया टुडे 2023 की रैंकिंग की बात करूं तो वो भी अवेलेबल नहीं है। टाइम्स 2024 की इंजीनियरिंग की रैंकिंग में इसको 149 यानी कि 149 रैंक मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या कुछ है। तो टोटल ब्रांचेस की बात करूं बीटेक में, तो एज ऑफ नाउ 12 स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बीटेक में रन करे जाते हैं। टोटल बीटेक इनटेक की बात करूं तो 1320 इनका टोटल बीटेक का इनटेक है। अगर मैं बात करूं ब्रांचेज का, तो यहाँ पे CSE में 180 सीट देखने को मिलेगा। CSE AI/ML में 120 सीट आपको देखने को मिलेगा। CSE Data Science में भी आपको 120 सीट देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में 150 सीट देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे CSE Hindi में भी चलाया जाता है, जिसमें 60 सीट है। बट आपको इसमें एडमिशन नहीं लेना है। तब जब भी आपको ऑफिशियल भी ये बताया जाए ना कि नहीं नहीं बाद में आपका जो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पढ़ा है तो इंग्लिश में ही जाएगा, नहीं, आपको CSE Hindi नहीं लेना, आपको इंग्लिश में ही अपना बीटेक कंप्लीट करना है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, किसी के झांसे में मत आना, ठीक है। अगर रिटर्न में भी मिल रहा है तब पर भी आपको जो है CSE Hindi नहीं करना है, बहुत दिक्कत आएगी आपको आपके करियर में। अब बात करें वहीं पे AI/ML की, तो इसमें भी 60 सीट देखने को मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT में 180 सीट देखने को मिलेगा। CSIT की बात करूं तो इसमें 120 सीट देखने को मिलेगा। EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको 180 सीट देखने को मिलेगा। मैकेनिकल में 60 सीट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो उसमें 60 सीट है। और सिविल इंजीनियरिंग में यहां पे 30 सीट है। सिविल वगैरह तो आपको यहां पे चूज ही नहीं करना है, सिविल मैकेनिकल वगैरह तो आपको यहां पे टच भी नहीं करना है। यहां पे जो आपको टच करना है वो CSE और IT के स्पेशलाइजेशन ही आपको चूज करना है। उसके अलावा इस कॉलेज में किसी और स्पेशलाइजेशन में जाने की सोचना भी मत आप। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे बीटेक में एडमिशन दिया जाता है। काउंसलिंग की बात करूँ तो UP टेक का काउंसलिंग प्रोसेस जो AKTU कंडक्ट करते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, तो उसमें आपको जो है ना ग्रेटर देन 65% मार्क्स होने ही होने चाहिए, तभी जा करके यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन मोड की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया JEE मेन के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिलता है, और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे दोनों तरीके के आपको एडमिशन देखेंगे, डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या कुछ है। तो दोनों ही तरीके के फी स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूंगा कि यहाँ पे एकेडमिक फी क्या कुछ लगता है, फिर बात करेंगे कि हॉस्टल में क्या कुछ फी लगता है। तो एकेडमिक फी की बात करूँ तो आपका रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 1500 रुपये का लगने वाला है। ट्यूशन फी की बात करूँ तो ये आपका 1,11,226 रुपये का लगने वाला है। एग्जाम एंड एनरोलमेंट फी की बात करूँ तो ये 7500 रुपये का लगने वाला है, जो AKTU को जाता है। अगर बात करें मेडिकल इंश्योरेंस का तो 1500 रुपये का लगने वाला है। बुक बैंक की अगर मैं बात करूँ तो 2600 रुपये का फी लगने वाला है। एक्टिविटी की फी बात करूँ तो 10000 रुपये का लगने वाला है, लेकिन ये वन टाइम ही लगता है। करियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट फी की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको अलग से 10000 यहां पे करना पड़ रहा है, यानी कि जो फी दे रहे हो तो ठीक है, प्लेसमेंट्स का अलग से चार्ज करेंगे। अब बात करें कॉजन मनी जो कि रिफंडेबल होता है, वो भी आपको 5000 रुपये का लगने वाला है। यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आप फी पे करेंगे ना, वो आप करेंगे 1,49,356 रुपये का फी आप पे कर रहे होंगे। ये तो था एकेडमिक फी क्या कुछ जाता है। यहीं पे बात करते हैं कि हॉस्टल में क्या कुछ फी जाता है। तो सबसे पहले बॉयज़ हॉस्टल की ही बात करूं तो रेंट की बात करूं और मेस फी की, तो आप अगर डबल सीटर लेते हैं तो 1,25,000 रुपये का आ जाएगा इसमें आपका हॉस्टल फी और मेस फी दोनों रहने वाला। ट्रिपल शेयरिंग की बात करूं तो 1,15,000 रुपये का आएगा। वहीं पर सिक्योरिटी रिफंडेबल की बात करूँगा तो ये आपको 10,000 रुपये लगने वाला है, चाहे आप ट्रिपल सीटर लेते हैं या डबल सीटर लेते हैं। तो अगर बात करें टोटल का, तो अगर आप डबल सीटर लेते हैं तो आपको जो है ना 1,35,000 रुपये का फी पे करना पड़ेगा, और वहीं पे आप ट्रिपल सीटर लेते हैं तो आपको 1,25,000 रुपये का फी पे करना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं गर्ल्स को क्या कुछ हॉस्टल में यहाँ पे फी लगने वाला है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करो जो रिफंडेबल होता है और वन टाइम लगता है 10,000 रुपये का लगने वाला है, और ट्रिपल सीटर ही अवेलेबल है गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे जो है हॉस्टल फी और मेस फी मिला करके आपको 1,15,000 रुपये लगने वाला है। यहाँ पर आपको 1,25,000 टोटल फी जो है लगने वाला है फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट क्या कुछ जाता है। तो 2024 का ऑफिशियली प्लेसमेंट इन्होंने पब्लिक नहीं करा है। जी हाँ, मैं स्टूडेंट्स के बारे में तो बात जरूर करूँगा कि वो क्या कुछ प्लेसमेंट्स का करते, लेकिन उससे पहले मैं ऑफिशियल डेटा ही आपको बताने वाला हूं। तो 2024 का इन्होंने पब्लिक नहीं करा है, तो 2023 के डेटा से ही बात करते हैं कि ऑफिशियली 2023 में ये क्या कुछ प्लेसमेंट्स क्लेम करते हैं बीटेक में। तो फर्स्ट हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 33,80,000 रुपए का फर्स्ट हाईएस्ट पैकेज यहां पे जा रहा है। सेकंड हाईएस्ट की बात करूं तो 32,75,000 रुपए का जा रहा है। थर्ड हाईएस्ट की बात करूं तो 30,00,000 रुपए का जा रहा है। यहां पे मैं पर एनएम की बात कर रहा हूं। एवरेज पैकेज इन्होंने नहीं बताया है, बहुत ही बड़ा बवाल है यार कि आप पूरा फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट तक तो बताते हो लेकिन आप एवरेज नहीं बताते। क्यों? क्योंकि आपका एवरेज अच्छा नहीं है क्या? तो बताना चाहिए, एवरेज तो जरूर ही बताओ आप। वहीं पे मीडियम पैकेज की बात करूँ तो 4.5 लाख पर एनएम का इनका मीडियम पैकेज जा रहा है। अगर बात करें प्लेसमेंट्स रेट का तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ऑफिशियली कि प्लेसमेंट्स रेट कितना है, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% या 100% है, ये बताना तो चाहिए ना। अगर बात करें ऐसे स्टूडेंट्स का जिनकी जो पर एनएम पैकेज था वो लेस देन 5 लाख का था, वो यहाँ पे 1,042 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 1,042 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ना लेस देन 5 लाख पर एनएम का पैकेज लगा है। अगर मैं बात करूँ ऐसे स्टूडेंट्स का जो 5 से 10 के बीच में फॉल करते हैं, वो 306 स्टूडेंट्स थे। ऐसे स्टूडेंट्स जो 10 से 20 में फॉल करते हैं वो 53 थे, और ऐसे स्टूडेंट्स जो 20 से ऊपर के हैं वो 5 स्टूडेंट्स ही थे। टोटल नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये यहाँ पे आपको जो है 1,406 देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि AKG में स्टूडेंट्स क्या कुछ प्लेसमेंट्स क्लेम करते हैं बीटेक कोर्स के लिए। तो एवरेज पैकेज की बात करूं तो कहते हैं 3.5 से 4, 4.5 लाख तक का हार्डली यहाँ पे जो है एवरेज पैकेज निकल के आता। प्लेसमेंट्स रेट की बात करूं तो 60-70% प्लेसमेंट्स रेट है। बट एक बात और साथ में बोलते हैं कि भैया क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो BPO में काम कर रहे होते हैं, उनको भी यहाँ पे प्लेसमेंट्स में गिन दिया जाता है, बट एक्चुअली उनको का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। वही काम वो कहीं से ग्रेजुएशन करके भी कर सकते थे। इसके लिए 400 लोग इतना पैसा बर्बाद करने के लिए और इतना करियर को दांव पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बात करें करंट स्टेटस की तो इसका प्लेसमेंट डाउन जा रहा है। जी हाँ, फिलहाल इसका प्लेसमेंट जो वो नीचे ही जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फैसिलिटी क्या कुछ है, उसके बाद बात करेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, आपको टिक लैब देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया है, मेडिकल फैसिलिटी है, और बैंक या कि ATM की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन क्या, यानी कि अलग अलग रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स कितने परसेंटेज में हैं। तो सबसे पहले जेंडर पार्टिसिपेशन की ही बात करते हैं, और यहाँ पे भी मैं UG BTech कोर्स की ही बात करने वाला हूँ। तो फीमेल स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे 21% देखने को मिलेगा आपको, और वहीं पर बात करें मेल स्टूडेंट्स का तो वो यहाँ पे आपको जो है ना 79% देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें जो है रेशियो ठीक ठाक कह सकते हैं आप। अब बात करते हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या, यानी कि अलग अलग स्टेट से आने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे होम स्टेट की बात करूँ तो वो आपको 83% यहाँ पे होम स्टेट के स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा, यानी कि होम स्टेट का क्राउड यहाँ पे डोमिनेटिंग रहने वाला है, और अदर स्टेट का जो वो 17% रहने वाला है। उसमें भी मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से और इसके निगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो सके कि ये कॉलेज आपको चूज करना चाहिए या इसको छोड़ करके किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज को आपको टारगेट करना चाहिए। तो पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन काफी इजी है, आपका जीमेन में काफी लो रैंक पे भी यहाँ पे आपको CSE मिलने के चांसेस होते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस तो यहाँ पे है ही, आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लैब की बात करो तो यहाँ पे आपको AC लैब देखने को मिलेगा, बट ये ध्यान रखना कि ये AC लैब जो है ना ये इनके फायदे की चीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे AC बहुत ज़रूरी होता है टिक लैब में इक्विपमेंट्स को ठंडा रखने के लिए, तो वो स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के नहीं किया जाता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसके निगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। कैंपस की बात करो तो कैंपस काफ़ी आपको यहाँ पे ग्रीन कैंपस देखने को मिलने वाला है, तो उस मामले में कॉलेज को तो एक लाइक बनता ही बनता है। हाँ, वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आए। तो अब बात करते हैं इसके निगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका पुअर प्लेसमेंट है। जी हाँ, इसका प्लेसमेंट एक्सट्रीमली पुअर जा रहा है। प्लेसमेंट्स रेट की बात करूँ तो लो प्लेसमेंट्स रेट आपको देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसका प्लेसमेंट जो है डाउन जा रहा है। अगर बात करें इंटर्नशिप रेट का तो बिलो एवरेज इंटर्नशिप रेट AKG में जा रहा है। लोकल क्राउड जो है यहाँ पे आपको हावी रहने ही वाला है। अटेंडेंस क्राइटेरिया की बात करूँ तो 75% अटेंडेंस यहाँ पे मैंडेटरी है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा आपको क्लास लगाते लगाते। अगर बात करें यहाँ पे तो लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज जो है ना वो इस कॉलेज में विजिट करते हैं, तो प्लेसमेंट्स
बहुत ज़्यादा नहीं ऑफर हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो कॉलेज तो बुला रही है कंपनियों को लेकिन प्लेसमेंट्स नहीं हो रहा है, ऐसा सीन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि बहुत ही लिमिटेड कंपनीज कॉलेज में प्रेफर करती है आना प्लेसमेंट्स के लिए। अब बात करें एक और बात कि इनका मेन फोकस जो है ना वो एग्ज़ाम्स लेने पे और क्लासरूम में पढ़ाने पे है, इनका उतना फोकस प्रैक्टिकल पे नहीं है। जी हाँ, इनका पूरा फोकस रहता है कि आप क्लास में आओ, एग्ज़ाम दो, अटेंडेंस लगाओ और यहाँ पे बस क्लास लगाते रहो बस। एकेडमिक में पूरा फोकस है, यहाँ पे कोई लैब वगैरह में इतना फोकस नहीं करा जाता जितना यहाँ पे आपको जो है क्लासरूम में फोकस किया जाता है। यहाँ पे बात करें कि कोई आपको हॉस्टल में भी एसी देखने को नहीं मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको जो है ना यहाँ पे क्लासरूम में भी एसी नहीं देखने को मिला। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में कि इसके लैब में आपको एसी जरूर मिलेगा लेकिन वो कॉलेज के फायदे की चीज़ है, क्लासरूम में एसी होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये बोलते हैं नहीं बिना एसी के भी पढ़ लेंगे, शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि एनसीआर में 52, 51, 45 से लेकर के 52 तक टेम्परेचर जाता ही जाता है, तो 45 से 52 डिग्री टेम्परेचर में क्लास में बैठ करके पढ़ना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एसी मस्ट होना चाहिए, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा आपका पढ़ाई क्लासरूम में। अब एक और बात, यहाँ पे ये रूमर अफवाह ये चल रहा है कि इनको ना अमेजन ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब कितना सही है कितना गलत ये नहीं पता। हाँ, हालांकि अमेजन नहीं आई थी इस बार भी, तो यहाँ पे एक ये चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने पे पता चलता है कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है अमेजन की तरफ से। उनका भी मेन कारण कुछ लोग यही बताते हैं कि यहाँ पे जो फोकस है ना वो क्लासरूम की ट्रेनिंग पे इतना ज़्यादा फोकस है ना कि उससे परेशान है सब। तो अगर आप मेरे ओपिनियन में देखना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको AKG अपने बेटे के लिए कंसिडर मत करो। गाज़ियाबाद में ही और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इससे बहुत ही बेहतरीन कॉलेज लगभग इतने फी में AKTU के अंदर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। बहुतों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो जाकर के वीडियोस देखो, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और हाँ, अगर आपको किसी और कॉलेज के बारे में ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस देखने हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम मेंशन करो और ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त के साथ तो डेफिनेटली शेयर करो।